ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଭୁଲକୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ଭାରତ, ଆଉ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଏବେ ଜାଣିବେ ମାଟିର ଭବ୍ୟ ଇତିହାସ। हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिल्ली स्थित इंडिया गेट रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होलोग्राम उन्मोचन करिछन्ते। पीएम मोदी यही ऐतिहासिक दिन रे देशवासी को संबोधित करने सह कांग्रेस को टार्गेट करिछन्ते। मोदी कहिछन्ति इतिहास रे जेउ भूल होइतला ताकु वर्तमान देश सुधारुछि, आ भूल को सुधारिबा पई केई अटकाई पारिबे नाही। आजादीर अमृत महोत्सव रे भारत तार परिचय एवं प्रेरणा को पुनर्जीवित करबाकु दृढ़ प्रतिश्रुतिबद्ध। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। केवल एतिक नुहे, मोदी आहुरी मध्य कहिछन्ति एहा दुर्भाग्य जे स्वाधीनता परे मध्य देशर संस्कृति एवं संस्कार को तथा महान व्यक्ति योगदान को सबुदिन पई लिभाई देबाकु प्रयास करा जाउथिला। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। नेताजी होलोग्राम प्रतिमूर्ति अनावरण कर मोदी कहते स्वाधीनतार महानायकों कृतज्ञ राष्ट्रर श्रद्धाजलि। नेताजी ही प्रतिमा आमर लोकतांत्रिक संस्था तथा आमर आगामी पीढ़ी को कर्मबोध तथा कर्तव्यर गायन कर वर्तमान पीढ़ी तथा आगामी पीढ़ी को यह प्रेरणा मध्य जोगाइ। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। एबे अपेक्षा रे देशर सुभाष प्रेमी माने आउ जे पर्यंत नेताजी को भव्य प्रतिमा निर्माण सरी नाही से पर्यंत एही स्थान रे होलोग्राम प्रतिमा रहिबो बोली प्रधानमंत्री कहि सारिछंती। आउ आपण जानिले खुशी हेबे जे नेताजी सुदीर्घ 28 फुट उच्चतार एक ग्रानाइट प्रतिमूर्ति निर्माण चली। ओडिशा पाई गर्वर कथा जे एही भव्य वीरंक मूर्तिर कारीगर साजिछंती ओडिया मूर्तिकार अद्वैत गडनायक। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।